ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की सरकार देश में चीन की मंदारिन भाषा सिखाने वाले इंस्टीट्यूट्स की फंडिंग बंद करने जा रही है। पिछले साल जुलाई में इलेक्शन कैंपेन के दौरान सुनक ने कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट्स की फंडिंग रोकने का वादा किया था। माना जा रहा है कि मंगलवार रात या बुधवार को इस फैसले पर अमल का ऐलान किया जा सकता है। ब्रिटिश सरकार इन इंस्टीट्यूट्स को हर साल करीब 27 लाख पाउंड देती है। सुनक इस फैसले से चीन भड़क सकता है। द गार्डियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक सुनक सरकार के फैसले का ऐलान फॉरेन मिनिस्टर जेम्स क्लेवल करेंगे। फिलहाल मंदारिन सिखाने वाले कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट्स को बंद नहीं किया जा रहा है, अभी इनकी फंडिंग रोकने का ही ऐलान होगा। ये तमाम इंस्टीट्यूट्स मंदारिन और चीन के कल्चर को बहुत एक्टिवली प्रमोट करते हैं। इसका फ़ायदा चीन की कम्युनिटी पार्टी से जुड़े लोगों को या नेता को होता है। ब्रिटेन में उनके आने के रास्ते खुलते हैं, उन्हें फास्ट ट्रैक वीज़ा फैसिलिटीज़ मिलती हैं। बाद में वो जासूसी समेत कई गलत कामों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। पिछले साल कुछ रिपोर्ट्स में इन हरकतों की तरफ इशारा किया गया था। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।